हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामासर में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शी टेट 2024 रिलेटेड जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बाहर आ चुका है। आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके अपना फॉर्म फिलअप करें। एग्जाम डेट भी क्लियरली आ चुका है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, डिस्कस करेंगे संपूर्ण जानकारी के बारे में। फॉर्म फिलअप कब हो रहा है, एग्जाम डेट कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा, इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी के लिए आप बने रहें लास्ट तक वीडियो के अंत तक। डिस्कस करेंगे संपूर्ण जानकारी के बारे में। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीटेट जनवरी 2024। सीटेट जनवरी 2024 एग्जाम, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। बने रहें वीडियो के अंत तक, देंगे आप सभी को संपूर्ण जानकारी। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है उसका डिस्कशन कर लें, तो एप्लीकेशन 3/11/2023 अर्थात आज से स्टार्ट हो चुका है। 3/11/2023 से ही इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करें अंतिम तिथि की, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो 23/11/2023 इसके लिए लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। 23/11/2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट फीस पेमेंट की बात करें, अगर फीस पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है, तो 23/11/2023। जी हाँ दोस्तों, 23/11/2023 को रात्रि 12 बजे तक ही फीस पेमेंट का लास्ट डेट रखा गया है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें करेक्शन के लिए, तो करेक्शन के लिए आपको 28/11/2023 से 2/12/2023 तक का टाइम दिया गया है। अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड 2 दिन पहले अवेलेबल हो जाएगा, जब आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा आंसर की बात करें, तो एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद आंसर की अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आंसर की अवेलेबल होगा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना करके आपको जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी हमने दिया है यहाँ पर। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो बना करके आप सभी के बीच में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। बात करते हैं दोस्तों पेपर के बारे में। सिंगल पेपर अगर है तो कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा, और अगर आप दोनों पेपर्स के लिए फिलअप करते हैं फॉर्म तो कितना फीस लगेगा। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये का शुल्क है सिंगल पेपर के लिए, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का शुल्क रखा गया है। वहीं दोनों पेपर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये का शुल्क रखा गया है। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सीबीएसई सीटेट जनवरी 2024 एग्जाम एलिजिबिलिटी कोड डिटेल्स के बारे में। बात करें तो कोड फर्स्ट की बात करते हैं हम, लेवल फर्स्ट के लिए यानी सीटेट प्राइमरी लेवल की बात करें, जिसमें क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक आते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आपको जूनियर का भी डिस्कशन करा देंगे। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए, देखें सारी एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्लियर करेंगे। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। फर्स्ट वाला डिस्कशन कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन दिया गया है वो सीनियर सेकेंडरी और इक्वावेलेंट डिग्री, आपके पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए या इक्वावेलेंट डिग्री होनी चाहिए, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना आवश्यक है, और आप पास्ड हों या फाइनल ईयर में आप अपियरिंग में हों, 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात डीएलएड, सेकेंड ईयर वाले फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, मींस आप अंतिम सेमेस्टर में हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी और इक्वावेलेंट डिग्री विथ एटलीस्ट 45% मार्क, और साथ ही साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर एनसीटीई 2002 नॉर्म्स ध्यान रखेंगे, या फिर और अधिक क्या डिग्री हो सकती है, तो सीनियर सेकेंडरी और इक्वावेलेंट डिग्री विद 50% मार्क्स, 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आप पास्ड हो या अपीयरिंग डिग्री हो आपके पास किस में, बीएलएड में अर्थात बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जी हाँ, 4 वर्षीय कोर्स होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सीनियर सेकेंडरी की, माने और अधिक डिग्री की, तो सीनियर सेकेंडरी इक्वावेलेंट डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, और आप डिप्लोमा इन एजुकेशन अर्थात स्पेशल एजुकेशन से 2 वर्षीय डिप्लोमा पास्ड हो, या आप फाइनल ईयर में अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
इसके अलावा पांचवा की बात कर लेते हैं, या और अधिक डिग्री क्या होनी चाहिए, इसका भी डिस्कशन आज किसी वीडियो में हम करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर किसी प्रकार की मन में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको हमारा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, वहां से आप हमको डायरेक्टली कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, तो जो हमारा नंबर 5 क्वालिफिकेशन दिखा देते हैं, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी आप ग्रेजुएट हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स होना आवश्यक है, और आप बीएड यानी हु हैज एक्वायर्ड एज क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी शैल बी कंसीडर ऑफ द अपॉइंटेड एज ए टीचर इन क्लास 1 to 5। जो बीएड वाले हैं, जो 1 to 5 में क्लास टीचर, मतलब कि एक टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए एनसीटीई ने छूट दिया है, वे लोग भी 50% डिग्री के साथ, अगर 50% क्वालिफिकेशन के साथ आप पास हैं बैचलर डिग्री या अपीयरिंग में हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि 2 वर्ष से आप 2 ईयर्स आप सच अपॉइंटेड एज प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर में 2 वर्ष से लगातार आप कंटिन्यूसली अगर काम कर रहे हैं तभी आप दोस्तों इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान से समझ लेंगे, आप टीचर के रूप में काम कर रहे हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी नहीं तो आपके पास डीएलएड की डिग्री होना आवश्यक है। ध्यान रखेंगे, बीएड वाले वैसे ही प्राइमरी से बाहर हैं। अगला बात करते हैं बेटा 6 नंबर की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 55% मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 55% मार्क्स आर इक्विवेलेंट डिग्री एंड पास्ड आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। ध्यान रखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, इसके अलावा आप फाइनल ईयर में 3 इयर्स की डिग्री रखते हो, इंटीग्रेटेड डिग्री रखते हो बीएड या एमएड के लिए, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा और अधिक जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। 7 नंबर डिस्कशन करते हैं, एनी कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज बाय द एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपियर इन टेट सीटेट, मोर इवर एज पर द एग्जिस्टिंग टेस्ट गाइडलाइन सर्कुलेट वाइड एनसीटीई लेटर डेट 11/2/2011 ए पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स। जी हाँ, अगर आपने टीचर एजुकेशन का कोई कोर्स किया हुआ है और आप बीएड हैं तब आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 2011 के रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों एनसीटीई और आरसीआई एज द केस ऑफ मे बी स्पेसिफाइड इन द एनसीटीई नोटिफिकेशन डेट 23 अगस्त 2010 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो केस को लेकर के जानकारी आई थी, उसके अकॉर्डिंग आप सीटेट या टेट के लिए अपीयर होकर के क्वालिफाई हो सकते हैं। ये सब आपके सब्जेक्टेड टू द कोर्ट रहेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जैसा गाइडलाइन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपके फॉर्म फिलअप होंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं और अधिक जानकारी के लिए, आप सब बने रहे वीडियो के अंत तक। 8वां पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 55% मार्क आर इक्विवेलेंट डिग्री हैज पास टू द अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ द 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। अगर आप ऐसे हैं तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, प्राइमरी और जूनियर के लिए आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। डीएलएड वाले आप जूनियर में प्राइमरी के लिए भरें और बीएड वाले जूनियर के लिए फॉर्म फिलअप करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो एंड तक बने रहने रहें। आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, हाउ टू फिल सीटेट जनवरी 2024 एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना करके रखा है दोस्तों, वहां से जाकर के आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पर। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन जितनी भी नई वैकेंसी आ रही हैं सभी की जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, और वो भी एकदम जेन्युइन तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है, और उसको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया जाता है। अन्य यूट्यूबर की तरह आपको गलत तरीके से भ्रामक जानकारियां नहीं दी जाती हैं। अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई सुझाव सलाह देना है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल के माध्यम से, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ करके हमें जानकारी दे सकते हैं, या कोई सलाह सुझाव ले भी सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई वैकेंसी डिटेल्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी दें। सीटेट का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।